और उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फॉर्मूला तय कर लिया है। फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर फॉर्मूला बीजेपी ने तय कर लिया है। अपना दल को 2 सीटें मिल सकती हैं। अनुप्रिया पटेल की अपना दल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। अपना दल एस का दूसरा प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। निषाद पार्टी को उत्तर प्रदेश में 1 सीट दी जाएगी। इसका मतलब यह कि 77 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर अपना दल, 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार जो है वो मैदान में होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। विनोद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, जरा एक बार फॉर्मूला समझाइए, क्या फॉर्मूला हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का? देखिए, जहां सभी दल, विपक्षी दल जो है अभी एकजुटता की बात कर रहे हैं, अभी बैठकें उनकी हो रही हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली है। और जो उनका गठबंधन है इस बार उत्तर प्रदेश में और बड़ा होगा। पिछली बार जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तब बीजेपी सिर्फ अपना दल के साथ मैदान में, चुनावी मैदान में उतरी थी। अपना दल को उस वक्त भी 2 सीटें दी गई थी, लेकिन इस बार 2 और नए सहयोगी, एक सहयोगी जो निषाद पार्टी है जो विधानसभा में बीजेपी के साथ है, इस बार लोकसभा में भी उसको मौका मिलेगा। और कहा जा रहा है कि 1 सीटें, 1 जो सीट होगी वो निषाद पार्टी को मिल सकती है। निषाद, संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे जो हैं वो सांसद रह चुके हैं, तो माना जा रहा है कि एक बार पार्टी उनको टिकट देगी और उनके अपने सिंबल पर, यानी कि निषाद पार्टी से वो सांसद बन सकते हैं। दूसरा जो है गठबंधन की बात जो हो रही है वो ओम प्रकाश राजभर से हो रही है और डील लगभग तय हो गया है। डील ये हुआ है कि लोकसभा की 1 सीट जो है वो राजभर को भी मिलेगी, जिस पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। उनको बाकी जो 1 सीट की मांग है वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में पूरी की जा सकती है। उनके बेटे को MLC बनाया जा सकता, तो या उनके बेटे को जो उपचुनाव होने वाला है गाजीपुर में वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता। तो ये 2 कंडीशन है। अपना दल को 2 सीटें मिलने वाली है, जिसमें अपना दल अनुप्रिया पटेल जो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सिर्फ अपना दल के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। जो दूसरा प्रत्याशी होगा वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। सीटें खाते में जाएंगी अपना दल के, लेकिन उम्मीदवार जो होगा वो बीजेपी का होगा। तो ये एक फॉर्मूला तैयार किया गया। 80 में से 4 सीटें जो है बीजेपी अपने सहयोगियों को देने के लिए उत्तर प्रदेश। और बड़ी बात ये है कि ये वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है। मसलन अपना दल की बात करें तो कुर्मी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है, निषाद पार्टी के निषाद समाज पर अच्छी पकड़ है, और राजभर का राजभर समाज पर। तो ये कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा ये देखने वाली बात।